पप्पू यादव को रिहा करना होगा, करना होगा, करना होगा। पप्पू यादव को रिहा करना होगा, करना होगा, करना होगा। अपने नेता की रिहाई के लिए इतने बड़े बड़े आंदोलन क्यों सरकार चुप? ये सवाल सिर्फ पप्पू यादव की रिहाई का नहीं, आप अस्पतालों की व्यवस्था सुधीर कर लिए रहते हैं और पप्पू यादव जी का जीवन जेल में रख दिया, कोई अंतर, कोई फर्क नहीं है। आप बिहार की जनता को कानून व्यवस्था से भयमुक्त कर दीजिए, जो व्यवस्था आपकी है, अपराधियों के तांडव जो है आप मुक्त कर दीजिए, अपराधियों से अपराध मुक्त बिहार बना दीजिए, पप्पू यादव को जिंदगी भर जेल भेज दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप झूठे वादे करते हैं, आप कोरोना जैसे काल में भी आम आदमी को ठग रहे हैं, आप घोषित कर दिए कि 4 लाख रुपया देंगे, केंद्र सरकार कह दिया कि नहीं देंगे, और फिर आपने एक नया कानून बना दिया कि हम जो कानून के तहत मानेंगे कि ये कोविड के पेशेंट थे उसी को देंगे, कि कौन सा कानून? आप इससे अच्छा तक घोषणा नहीं करते, ऐसे भी मर रहे हैं, मरने के लोगों छोड़ देते। आप डीजल पेट्रोल जब आपका 60 और 70 रुपये था तो हाय तोबा आप कर रहे थे, आप 100 के पार है, आप एक्साइज आप हेड को कम कीजिए। और पप्पू यादव बता सकते हैं कि पप्पू यादव को 45 दिन से पुराने 32 साल के केसों में आप रखे हैं। नीतीश कुमार जी, उस वक्त आपके पुलिस को और मधेपुरा और सहरसा के पुलिस को नहीं पता था कि जिस मंच पर भाषण दे रहे थे उस मंच पर भाषण पप्पू यादव जी दे रहे थे, उस पर पुलिस के पास वारंट कहाँ था, उस पर पप्पू यादव के पास कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट क्यों नहीं दिखाया गया? लगातार पप्पू यादव जी चुनाव लड़ते रहे, शादी ब्याह हर सबके सुख दुख में घूमते रहे, कुछ नहीं दिखा। और इसी कोरोना में क्या ट्विस्ट है, क्या मजरा है कि पप्पू यादव सहित अन्य लोग भी जो आपके खिलाफ बोलेंगे, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे फिल्मी जगत के लोग हों, जो आपको आज बिहार के नौजवानों में और यादव जी के अनपांसुत्री मांगों को लेकर के इस पटना के सड़कों पर कोतवाली थाने में कचकताओं ने खुद गिरफ्तारी देने के लिए आया है, मैं भी गिरफ्तारी देने के लिए आया हूँ। ये अपने षड्यंत्र के तहत ये हमें लठी डंटा गोली की भय दिखा करके हमें किसी कैद खाने में ले जाकर रख दिए हैं, हमारे कार्यकर्ता सहित हमारे नेताओं को किसी न किसी कैद खाने में ले जाकर रख दिए हैं। हम डरने घबराने वाले नहीं हैं, हमें नहीं पता है कार्यकर्ताओं को कहां ले जाकर के रखे हैं, लेकिन मैं नीतीश कुमार जी और आपकी पुलिस को बताना चाहता हूँ, एक भी कार्यकर्ता की खरोच आई तो इससे भी बुरा आपको सपना जो आएगा रात में दिखेगा कि हम सत्ता से बाहर हैं और हमारी पुलिस कान धे के उठक बैठक कर रही है और बिहार की जनता से माफ़ी मांग रही है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।